नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित भूबिया। लिखने की आजादी, बोलने की आजादी, जेएनयू में नारों की आजादी, कश्मीर में देश का झंडा जलाने की आजादी। साहेब आजादी है क्योंकि लोकतांत्रिक भारत है। अब मैं बात कर रहा हूं इसी आजादी के आधार पर लिखी उस किताब की जिसमें कथित तौर पर हिंदू मंदिरों के पुजारियों और महिलाओं का अपमान किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजर में यह सही है। ध्यान से सुनिए पूरा मामला क्या है। दरअसल लेखक एस हरीश ने मलयालम भाषा में एक किताब लिखी। किताब का नाम है मिसा। इस किताब में महिलाओं और मंदिरों के पुजारियों का आपत्तिजनक चित्रण किया गया है। इसके खिलाफ एन राधाकृष्णन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, किताब में आपत्तिजनक अंशों को हटाने की मांग की, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किताब पर बैन लगाने से मना कर दिया और आपत्तिजनक बातें हटाने से भी मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किताब को पूरा पढ़ना चाहिए, टुकड़ों में बांटकर नहीं पढ़ना चाहिए। याचिका खारिज हो गई। अब मुद्दा यह है कि जिन हिंदुओं की भावनाएं इससे आहत हुई हैं, वे कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह कि इससे पहले जिन किताबों में किसी की भावना आहत करने वाली सामग्री मिली तो उन्हें बैन कर दिया गया, फिर इसे बैन क्यों नहीं किया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले कई किताबों को बैन किया गया है। द सैटनिक वर्सेस, सलमान रशीद की इस किताब में इस्लामी आस्था और मोहम्मद साहब का अपमान किया गया, जिसके बाद इसे भारत समेत कई देशों में बैन कर दिया गया। जिन्ना, इंडियन पार्टीशन इंडिपेंडेंस, इस किताब पर बैन लगा दिया गया क्योंकि इसमें जिन्ना को सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा बेहतर बताया गया। अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस, इस किताब को भारतीय लेखक रामस्वरूप ने लिखा। आरोप लगा कि इस किताब में इस्लाम को गलत तरीके से दर्शाया गया है, फिर इसे भी बैन कर दिया गया। मुस्लिम बोर्ड ने आपत्ति जाहिर की तो किताब के प्रकाशक को जेल भी जाना पड़ा। इसी कारण अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।